अपने स्टाइल में क्रिमिनल्स को चेता हूँ। मैं क्रिमिनल्स को यही बताना चाहता हूँ, सुधर जाओ नहीं तो तुम सुधार दिए जाओगे। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। हमारे साथ आज आईपीएस अभिषेक पल्लव जी जुड़े हुए हैं। आपको जय हिंद सर, नमस्कार। और मैं सबसे पहले आपके जर्नी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये जर्नी कैसा रहा। आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, आप कहीं पे स्पीच दे रहे थे, उसमें आपने बताया कि आपके ससुर नाराज भी हो गए थे कि आप जब आईपीएस के लिए तैयारी करने की आपने प्लानिंग की तो आपके ससुर नाराज हो गए थे, लेकिन फिर भी आप आज आईपीएस बने और आप पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, आप छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन पूरे देश की जनता ये सोचती है कि आप जैसा एक एंग्री यंग मैन उनके भी राज्य में होना चाहिए जो पूरे देश के क्रिमिनल्स को सुधार दे, और उससे थर थर लोग कांपने लगे। तो मैं आपकी बात इस पे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, मैं सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 12 तक अलग अलग राज्यों में मैंने पढ़ाई की, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में घूमने का मुझे एक्सपीरियंस मिला, अलग अलग कल्चर के लोगों, अलग अलग भाषा सभ्यताओं के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और क्योंकि मिलिट्री स्कूल में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हमेशा रहती है, तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के साथ पढ़ने का मौका मिला, तीनों के परिवार के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं आर्मी और देश सेवा तो हमेशा ही दिमाग में था, क्योंकि मेडिकल बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो ट्वेल्थ मैंने करने के बाद मेरा पीएमटी से सिलेक्शन मेडिकल में हुआ, और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से 99 से 2005 के बीच में एमबीबीएस किया, और फिर एम्स न्यू दिल्ली से साइकेट्री में मैंने 2006 से 2009 के बीच में एमडी किया। मेरा छोटा भाई भी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, वो पास आउट होने के बाद उसने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की, हम दोनों भाई ने यूपीएससी की तैयारी की। मेरा पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ 2013 बैच में, और छोटा भाई 2014 बैच भारतीय वन सेवा में सेलेक्ट हुआ, मध्य प्रदेश काडर, मुझे छत्तीसगढ़ काडर मिला। छत्तीसगढ़ मेरे काडर चॉइसेस में भी ऊपर था, क्योंकि बॉर्डर पे मैं आर्मी के साथ लड़ते हुए देखा है, निश्चित रूप से आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलिज्म सबसे बड़ा मुद्दा था, और उसमें काम करने का मुझे मौका मिला। मेडिकल से शिफ्ट यूपीएससी के थ्रू, क्योंकि मेरा मानना है कि फील्ड में यदि हम काम करना चाहें, जिला लेवल पर रह के लोगों की होलिस्टिक चेंज लाने की कोशिश करें, तो उसके लिए आईएएस और आईपीएस बहुत ही अच्छा जॉब है। अब टैक्स पेयर्स मनी से आप जनता में जो है चेंजेज ला सकते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर यदि है तो लीडरशिप पोजीशन में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, 3 से 4 साल में आप हजारों लोगों को आप लीड करते हैं, और उनको मोटिवेट करके आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो एमडी करने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, और मैंने अपने ही ऑप्शनल मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी रखा, और उसमें मुझे सिलेक्शन मिला, और उसमें छत्तीसगढ़ काडर आया, और उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई। नक्सल क्षेत्र में 4-5 साल काम करने के बाद शहरी क्षेत्र में मैंने 2 वर्ष काम किया। निश्चित रूप से जो युवा यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करें। सिविल सर्विसेज इस देश में जनता की सेवा करने के लिए इससे अच्छा जॉब कोई भी नहीं है, आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यही कारण है कि 12 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और लाखों युवा स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं। और निश्चित रूप से यदि अच्छे लोग अच्छी मनसा के साथ गवर्नमेंट सर्विस में आए, तो निश्चित रूप से सरकार का चरित्र और सरकार का जो कार्रवाई है ये काफ़ी सुधार आ सकता है। सर, वो वाला पॉइंट मैं जानना चाह रहा हूँ ना, जब आपने डॉक्टर की पढ़ाई आप कर रहे थे, आप एम्स में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या आपको, आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आई जिसे आपको देख के लगा कि अब मुझे आईपीएस के लिए अप्लाई करना है? नहीं तो ये तो बहुत अच्छा था कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, आप डॉक्टर बनते, और जो स्पीच में भी आपने बोला कि आपकी शादी में यही हुआ था, आपने मजाक में सबको यही कहा था कि आपकी शादी में हुआ कि आपके ससुर नाराज़ हो गए कि मैंने तो डॉक्टर से शादी कराई थी और ये आईपीएस बनने लगा है, कहाँ कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ना, एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि यूपीएससी एक रिस्की एग्जाम है, यहाँ पर अच्छी तैयारी करने वाले लोग भी कभी कभी रह जाते हैं, और मेरा एक वेल सेटल्ड करियर था मेडिकल में, मैंने एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से एमडी किया था, मेरी 2010 में शादी हुई, मेरी पत्नी भी डॉक्टर थी, तो एक स्वाभाविक रूप से एक डॉक्टर में करियर आगे बढ़ाने का एक नेचुरल ट्रेंड था।
लेकिन हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने ये देखा कि हम किसी को दवाई देते हैं, वो दवाई खाता है नहीं खाता है। एक हेल्थ केवल एक मेडिकल हेल्थ नहीं है, उसके साथ कल्चर और सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने 6 महीने जो है नेशनल ड्रग सेंटर डी एडिक्शन सेंटर में काम किया, वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है नशीली दवाइयों से परेशान हैं, लेकिन जब तक उनके फैमिली में हम ट्रीट ना करें, आसपास की सप्लाई को ना रोकें, तब तक हम केवल दवाई देके उनका इलाज नहीं कर सकते। तो यदि हमें समाज से बीमारी को ख़त्म करना है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें फील्ड में जाके प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए फील्ड में जाके काम करने के लिए IAS या IPS बनना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मन शुरू से था कि मैं फील्ड सर्विस में जाऊँ, लेकिन मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी बताया, शुरू में रजिस्टेंस था, घर वाले भी सोच रहे थे कि ये क्यों उस तरफ तैयारी कर रहा है, नहीं होगा तो क्या होगा। जब भी कोई UPSC की तैयारी करता है उसके मन में हमेशा एक ये संशय जरूर रहता है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि आप अभी 2-3 साल तैयारी में रह जाते हैं तो अपने आप करियर से दूर हो जाते हैं, आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ अफेक्ट हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ज़िंदगी में यदि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें एक कदम पीछे खींचना ही पड़ेगा, और यदि अपने हम सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा, और यदि हम अपनी चीज़ों को अपने घर वालों को परिवार वालों को ठीक तरह से समझाएं तो निश्चित रूप से वो कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। एक इमोशनल मोमेंट रहता है उनके लिए भी, वो परेशान रहते हैं, हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा डिसीजन था, लेकिन मुझे खुशी है कि यदि हम सपने देखते हैं और उसको दिल से देखते हैं तो हम उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें और उसको हम जरूर पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये सर कि कानून को हर समय अगर क्रिमिनल्स को सुधारना है तो उसके लिए डंडा उठाना पड़ता है, उसको जड़ से ख़त्म करना है, या तो उसको ख़त्म कर दो पूरी तरीके से या तो डंडे से मार के सुधारो। लेकिन आपने क्या कि आप उन क्रिमिनल्स के पीठ पे थपकियाँ देते हैं, आप उनको समझाते हैं और उनको आप सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, और आपने ये भी कहा कि हर एक क्रिमिनल को सुधरने का मौका देना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल्स आपके इस व्यवहार से सुधर जाते हैं? आपका कभी इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि कितने सुधरे कितने नहीं सुधरे? मुझे खुशी है कि करीब 250 क्रिमिनल्स का मैंने काउंसलिंग किया, पर्सनल काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग, हमने जो उनकी प्रेस वार्ता की, और मुझे खुशी है कि कोई भी क्रिमिनल दोबारा क्राइम करके नहीं आया। जबकि नॉर्मली होता है जब एक क्रिमिनल है क्राइम करता है, वो बाहर निकलता है जेल से, वो दोबारा एक बड़ा क्राइम करता है। कहीं ना कहीं यदि हम क्रिमिनल से बातचीत करते हैं तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है क्रिमिनल को कहीं ना कहीं आभूति होती है कि जो उसने किया वो गलत किया। दूसरा ये है कि जो यूथ है कहीं ना कहीं वेब सीरीज और मूवीज देख के क्राइम की तरह फैसिनेट होता है, वो चाकू लेके घूमने को ट्रेंड समझता है, वो नियम तोड़ने में अपने आप को ट्रेंड समझता है। तो जब हम क्रिमिनल को हम बातचीत करते हैं और मीडिया में वो चलता है लाइव, तो लोगों को मालूम चलता है कि क्राइम हो सकता है दूर से अच्छा लगे, लेकिन जब क्रिमिनल सस्ता है, जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो उसके सम्मान में और परिवार को बहुत कुछ गुजरना पड़ता है। क्रिमिनल को भी, क्योंकि यदि हम क्रिमिनल को सुधारेंगे नहीं तो वो क्रिमिनल बाहर निकलेगा, फिर वो कोई बड़ा क्राइम करेगा। समाज को भी जरूरी है कि क्रिमिनल को सुधरने का मौका दें। जब हम क्रिमिनल से बातचीत करते हैं तो क्रिमिनल बताता है उसने क्राइम कैसे किया, जब वो कैसे किए का मोड ऑफ ऑपरेंडाई हम समझते हैं तो बाकी लोग उस क्राइम से बच सकते हैं। जब हमने साइबर क्रिमिनल्स की काउंसलिंग की और उसको मीडिया इंटरव्यू किया तो उसको देख के काफ़ी लोगों को साइबर अवेयरनेस बढ़ा। जो लोग पहले साइबर के बारे में जानते नहीं थे वो साइबर फ्रॉड के बारे में जानने लगे। डेली मुझे हजारों कॉल आते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा, हमारे साथ भी वैसा ही फ्रॉड होने वाला था, हम बाल बाल बच गए। यदि हमारे प्रयास से डेली 2-4 लोग भी बच पा रहे हैं साइबर फ्रॉड से तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्राइम को समाज से पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे कदमों से उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है और सकारात्मक कदमों की आवश्यकता है, और बहुत ज़रूरी है कि जो थिएटर्स हैं, मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, वो ऐसी चीज़ों को दिखाएँ जिससे समाज में पॉजिटिव बदलाव आए। हम कभी भी ऐसी चीज़ों को रोमेंटिसाइज ना करें जिससे कि यूथ पे उसका गलत असर पड़े। जैसे हम स्मोकिंग को काफ़ी रोमेंटिसाइज करके दिखाते हैं, हम मारपीट को, हिंसा को, चाकू छुरी को, हम पोर्नोग्राफी को, इन चीज़ों को हम पॉजिटिवली हाईलाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं यूथ जिसका कि मेंटल मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है वो इनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है।
तो समाज में जरूरी है कि हम हर सही चीज को प्रमोट करें और हर निगेटिव चीजों को हम डिमोट करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं और वो सुदूर इलाकों तक पहुंच चुका है। तो बहुत जरूरी है कि पुलिस को भी अपना प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पे होना चाहिए। हमें अपनी पॉजिटिव चीजें सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए। और काफी बार आप देखेंगे टीवी सीरियल्स में, ये में क्राइम पेट्रोल, बाकी बहुत सारे सीरियल्स है जो कि क्राइम की चीजों को दिखाते हैं। क्राइम के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं होता। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी प्रेस वार्ता से लोगों को क्राइम के बारे में रियल इंसाइट्स मिले कि क्रिमिनल कैसा दिखता है, क्रिमिनल कैसे काम करता है, क्रिमिनल कैसे बनता है, क्रिमिनल क्यों बनता है। जब तक हम उसकी पूरी सोशियो कल्चरल फॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे तब तक हम क्राइम को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक हम क्राइम को नहीं समझ पाएंगे क्राइम के खिलाफ हम सही सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमारी कोशिश रही, और आप देख सकते हैं दुनिया भर में लोग क्राइम से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं। जितने क्राइम पे मूवीज बनती हैं, क्राइम पे सीरियल्स बनते हैं, लोग बड़े चाव से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पुलिस से लोगों को जुड़ने का भी मौका मिला। नॉर्मली लोग मूवीज में पुलिस पे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं सर, लेकिन सामने सामने लोग पुलिस से काम करते। हाँ नहीं, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था सर। हमारी कोशिश है कि पुलिस और जनता के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। ये तो आपने बखूबी उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि एक आईपीएस ऑफिसर से मिलना या बड़े अधिकारी से मिलना आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहाँ तक रीच करना ही बहुत मुश्किल होता है। वहाँ आप अगर सामने से कोई गुजर रहा है तो अच्छी खासी फोर्स उसके साथ जाती है, लेकिन आप यहाँ खुद ब खुद पब्लिक के बीच पहुँच जाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपके इंटरव्यू ज्वाइन करने से पहले मैं आपके एक वीडियो देख रहा था। आप एक गुब्बारा लेके बच्चा घूम रहा था तो आपने उसको पूरे पैसे उसके दे दिए और पूरे गुब्बारे उसके खरीद लिए। आपके साथ आपके एक सहयोगी भी थे, तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। पब्लिक और जो पुलिस के बीच का जो गैप था आपने उसको खत्म कर लिया। तो आप सबसे ज्यादा एक रोड सेफ्टी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, आपकी ज्यादातर वीडियोज आप फील्ड पे, क्योंकि आप हर समय मौजूद रहते हैं, दिखता है लोगों को कि कहीं आप लोगों को पकड़ रहे हैं, कहीं आप लोगों को समझा रहे हैं कि हेलमेट पहनो। तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आता है कि ये लोग को ज्यादा से ज्यादा समझाना है कि भाई हेलमेट पहनो, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, तो आप क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं? ज्यादातर एक्सीडेंट जो है रूरल एरियाज में हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी सड़कों पे ही एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट बड़ी और छोटी किसी सड़क पे हो सकता है। काफी लोगों को ये लगता है कि हम छोटे काम के लिए निकले, घर से 2 किलोमीटर निकले, 1 किलोमीटर निकले, तो हमें हेलमेट की जरूरत नहीं है, हमें सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पूरे टाइम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हेलमेट और सीट बेल्ट जो है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए 100% आवश्यकता है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या फिर लोग आलस के कारण या काफ़ी भ्रांतियों के कारण कि हेलमेट लगाने से हमारे बाल खराब हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, सर दर्द हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ये हम मान सकते हैं। वैसे ही सीट बेल्ट लगाने के लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि हम अचानक कुछ काम नहीं कर सकते, हम अचानक उतर नहीं सकते गाड़ी से इन, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता है। स्कूल से ही लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं फील्ड पे खुद उतरा। जब सीनियर अधिकारी खुद रोड पे उतरते हैं तो उसको देख के बाकी पुलिस अमला भी जो है अलर्ट होता है, लोगों तक बात पहुंचती है। इसीलिए हमने उसको सोशल मीडिया पे लाइव दिखाया, क्योंकि हम एक आदमी को रोक रहे हैं, उससे मुझे बात हो रही है तो सैकड़ों लोग सुन सकें और सैकड़ों लोगों के मन में वो बात जा चुकी है। डेली हजारों लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में जा रही है। कुछ लोगों को लगता है बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं सेलिब्रिटी से लेके नेतागण से लेके बड़े प्रोफेशनल से लेके सभी रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, और देश के जीडीपी का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं वो यूथ मरते हैं 18 साल से लेके 40 साल के बीच में, और उनकी फैमिली उनके पीछे जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मेरी कोशिश रही कि मैं फील्ड पर पहुँचूँ, लोगों को समझाऊँ, और निश्चित रूप से समझाने का फ़ायदा हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो हेलमेट के लिए कम अवेयरनेस थी, अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। दूसरे जिला पुलिस ने भी उसको अवेयरनेस ड्राइव चलाया और एक्सीडेंट रेट में भी कमी आ रही है। निश्चित रूप से हमें पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिसिंग में रिजल्ट स्लो दिखता है लेकिन रिजल्ट हमेशा दिखता है। हमें कोई भी बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं होता, बिहेवियर चेंज होने में समय लगता है, लेकिन यदि हर व्यक्ति कोशिश करे, यदि हर व्यक्ति खुद उस नियम को फॉलो करे और कम से कम कुछ लोगों को रोके टोके और उनको भी नियम फॉलो करने के लिए मोटिवेट करे, निश्चित रूप से हमारा रोड सुरक्षित हो सकता है।
और आज यदि हम किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति यदि गलत ढंग से गाड़ी चला रहा है तो हो सकता है हमारे ऊपर गाड़ी चला दे और हमारी भी जान चली जाए। तो जो आदमी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है वो अपने लिए तो खतरा है ही, वो साथ में दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है। तो सभी लोगों को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम रोकें, टोकें, उसको समझाएं और एक इसको एक सामाजिक एक आंदोलन की तरह छेड़ें कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। आजकल आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन के एकदम छा गए हैं, हर जगह हर किसी कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए बच्चे भी कुछ यही सब काम करते हैं। आप यहाँ रोड पे रोकते हैं लोगों को बाइक स्पीड चलाने से, तो वहीं आपके सामने भी मैंने बहुत सी वीडियोस में आपके आपने भी आपको भी याद होंगे आपके सामने से ही बहुत से लोग स्पीड से बाइक निकाल लेते हैं, या तो आपके सामने वो पहचानते नहीं कि सामने कौन खड़ा है, वो बस ये समझते हैं कि आगे सामने पुलिस वाले खड़े हैं, भाई भागो यहाँ से। ये व्यूज पाने के लिए जो सोशल मीडिया पे अटेंशन पड़ा है बहुत ज्यादा बहुत तेजी से कि भाई हम स्पीड में बाइक चलाएंगे तो व्यूज आएंगे, हम वायरल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बन जाएंगे, या उसी में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, फिर जो स्टंट बाजी होती है, फिर उसी में बहुत से वीडियोज ये भी पाए जाते हैं। अभी हाल ही में भी छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटना आई है जिसमें एक लड़का है उसके आगे एक लड़की बैठी हुई और वो लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं कि कितना हद तक ये यूथ किस तरफ जा रहा है, यूथ को क्या समझने की जरूरत है? आजकल सभी लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्वीट पे हमें ज्यादा ट्वीट मिले, ज्यादा फॉलो मिले, ज्यादा लाइक्स मिले, इसकी एक होड़ लगी हुई है। उसके लिए लोग जो है सड़क पर अपना तलवार से केक काटना, टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग करना, कॉम्पिटिशन करना। इसीलिए मैंने पहली बार अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया और मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को रैश ड्राइविंग करते हुए देखता है तो उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसका वीडियो बना के मुझे भेजें और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करते थे। इसके कारण लोगों में एक डर की बात आई और लोगों में इस भावना में थोड़ी कमी आई। निश्चित रूप से यदि हम सब जागरूक हों, हम सब पुलिस के आँख और कान बने, कोई भी व्यक्ति यदि नियम तोड़ता है हमें दिखता है तो हम उसका वीडियो बनाएं और उसको पुलिस कंट्रोल रूम को भेजें। निश्चित रूप से आज की सोशल हम पुलिस के जो सोशल मीडिया पेजेज हैं उसको टैग करके हम उन वीडियोस को डाल सकते हैं, तब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं इसमें हमें क्या नुकसान है, हम ऐसा क्यों करें। यदि हम समाज में सुधार के लिए आज आगे आके काम नहीं करेंगे तो कल को हम ही उसकी शिकार बन सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की संख्या इतनी नहीं है कि हम रोड में हर व्यक्ति पर नज़र रख पाए। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सीसीटीवी कवरेज बढ़ रहा है, हम मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी चाहिए कि सामने आए। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जो भी आदमी गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, उसका वीडियो बनाए जिसमें गाड़ी का नंबर दिखे और उसको पुलिस को टैग करते हुए उसको सोशल मीडिया पे डालें। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और फिर ऐसे लोग जो है फिर डरेंगे। सर, आपने अपना पर्सनल नंबर पब्लिक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसमें कभी दिक्कत नहीं आती ऐसे कि लोग परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके, सर क्या आप ही का नंबर है, आप ही का नंबर है, और कुछ ये भी हो सकता है कि उस पर थ्रेट भी आए, बहुत से थ्रेट्स भी आ सकते हैं, तो इसमें क्या नंबर पब्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती? निश्चित रूप से थोड़ी सी प्राइवेसी इफेक्ट होती है। डेली मेरे फोन पे कम से कम 300 से 400 मोबाइल पे फोन आते हैं, कम से कम 500 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। जब तक लोग परेशान नहीं होते, लोग परेशान नहीं करते। जब आदमी बहुत परेशान होता है तभी वो पुलिस अधीक्षक को फोन करता है, और यदि मेरे दो मिनट बात करने से उसकी समस्या का निराकरण हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। काफी बार क्योंकि पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, काफी लोग देश भर से फोन करते हैं, काफी लोग विदेश से भी फोन करते हैं, वहाँ पे मैं उनकी सीधी मदद नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से क्या कानूनी सलाह हो सकती है, कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है, किससे जाके मिला जा सकता है, और सीधा सीधी बात हो जाने से उनका जो दुख है, दर्द है, गुस्सा है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा है, और यदि मेरे दो मिनट देने से किसी के घंटों की टेंशन कम हो जाए तो निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है। सर, एक एक सवाल है, जैसे आप नक्सल इलाके में रहते हैं, आप नक्सल इलाका आपने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, एक घटना थी आपने पब्लिकली उसको साझा भी किया था, आपके सामने ही आपके साथियों की मृत्यु भी हुई थी, और बहुत सी वो घटना समझनी है, वो घटना आपको कैसे अंदर से वो झंझोड़ती है कि आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नक्सली पे आप क्या कड़े एक्शन ले सकते हैं?
हैं नक्सलियों पे। ये 2018 की घटना है, विधानसभा चुनाव से पहले दूरदर्शन की टीम जो है वो अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, पुलिस उसे सुरक्षा दे रही थी। नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस और मीडिया टीम पर हमला किया, जिसमें एक मीडियाकर्मी जो है अच्युतानंद साहू दूरदर्शन का रिपोर्टर, उसकी नक्सलियों ने हत्या की और एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का शहीद हो गया, क्योंकि उस टीम के साथ मैं था और मेरे सामने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, तो एक भावुक पल था मेरे लिए, खुद भी मेरे आंसू आ गए। लेकिन मैंने उस दिन सोचा कि अच्छा पुलिसकर्मी वो नहीं जो रोए, अच्छा पुलिसकर्मी वो है जो नक्सलियों का जवाब दे, हम इस समस्या का निराकरण करें। उसके बाद लगातार हमने नक्सल अभियान चलाया, 100 से ज़्यादा माओवादियों को ढेर किया, साथ में लोन वराटू अभियान दंतेवाड़ा पुलिस ने लॉन्च किया, जिसका लोकल गोंडी शब्द है घर वापसी। आप जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं तो किस तरह से सोचते हैं? जो बॉलीवुड में मूवीज में दिखाया जाता है कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाले को भी क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है या क्रिमिनल बनना पड़ता है, ये सोच सही है या आप जो रास्ता दिखाते हैं कि समझाने वाला, जो आप रास्ता दिखाते हैं कि समझा के बुझा के उनको सही कर दो, ये सही है? क्या एक्शन क्या लेना चाहिए इसमें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। पहले पुलिसिंग का मतलब होता था कि आप थर्ड डिग्री करके, हम लोग ये मानते थे कि हम मारपीट के ही उगलवा सकते हैं, लेकिन एक नया रास्ता है कि आप समझा के, संवाद करके, बातचीत करके भी आप चीज़ों को उनसे बुलवा सकते हैं। मैंने 150 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सभी में अपराधियों ने अपना अपराध कबूल किया, कैसे उन्होंने अपराध किया उसके बारे में बताया। तो ये निश्चित रूप से इंट्रोगेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी पुलिस की ट्रेनिंग का एक पार्ट होना चाहिए, किस तरह हम क्रिमिनल्स के साथ उनकी चीज़ों को उनसे निकाल पाए। जहाँ तक उनको पकड़ने की बात है, लोग कोई भी क्राइम क्रिमिनल के माइंड में यदि हम जाके सोचें क्रिमिनल ने कैसे क्राइम किया होगा, कैसे उसने एग्जीक्यूट किया होगा, कैसे वो बच रहा होगा, तो निश्चित कोई फ़ायदा होता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका एप्लीकेशन, फील्ड एप्लीकेशन अपने आप में जरूरी है। मैं क्योंकि मैंने सेक्रेटरी में पढ़ाई की है, तो मेडिकल का सॉफ्ट टच, साइकोलॉजी की नॉलेज और पुलिस की नॉलेज, तीनों की क्रॉस ट्रेनिंग का एक अच्छा एक मिश्रण बना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस ट्रेनिंग को मैं नीचे तक पहुँचा पाऊँ, लोगों तक जो हमारी पुलिस का अंतिम मामला है वो भी इस चीज़ को समझ पाए। और अच्छे इंट्रोगेशन के हमेशा अच्छे रिजल्ट होते हैं। क्रिमिनल्स को जहाँ तक क्रिमिनल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिमिनल के साथ एक नेटवर्क बनना जरूरी है, क्योंकि सूचना हमें वही लोग दे पाएंगे जो उनके साथ रहते हैं। तो पुलिस के अंदर इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या टेक्निकल इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए उनके नेटवर्क में घुसना बहुत जरूरी है, और अरे आप उनके नेटवर्क में घुसेंगे तभी उसको आप तोड़ पाएंगे। तो वो नक्सल नेटवर्क हो या ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क हो या डकॉइस का नेटवर्क हो, तो निश्चित रूप से एक स्ट्रैटेजी के थ्रू नेटवर्क में घुसना, उसको तोड़ना, उसको और किसी भी नेटवर्क को तोड़ने के लिए उस नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से एक अलग तरीका अपनाया गया है, जिसको जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। सर लेकिन कोई तो ऐसी कंडीशन आती होगी जब आपको शस्त्र उठाना ही पड़ता होगा और उनको सबक सिखाना ही पड़ता होगा। मान लीजिए कि आप कहीं गए और जब अभी फायरिंग हो ही रही है, आप फिर भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ही है, क्योंकि आज के समय में क्रिमिनल कौन है, क्रिमिनल का क्या चेहरा है कुछ पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। जैसे नक्सल इलाके में भी अभी छोटे छोटे बच्चे भी नक्सल बन के बहुत 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 बड़ा बड़ा छाप छोड़ के चले जा रहे हैं। तो आप कब तक ये आप हम लोग समझा के उनको काम कर पाएंगे? कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपको एनकाउंटर या जवाबी फायरिंग करनी पड़ेगी, तो वो उसको आत्म सुरक्षा में भी हमें फायरिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और कानून में लिखा भी है, सीआरपीसी में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसने मर्डर या बड़ा अपराध किया है और जो भाग सकता है, तो पकड़ने के लिए भी पुलिस जो है फायरिंग कर सकती है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति बातों से काबू में नहीं आ रहा है, तो गोली का जवाब हमें गोली से ही देना पड़ेगा। और पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम मिनिमम यूज ऑफ फोर्स करें, जहाँ पे गोली से काम चल जाए गोली का इस्तेमाल करें, जहाँ डंडे का इस्तेमाल करना पड़े डंडे का इस्तेमाल करें, और जहाँ गोली चलाना पड़े वहाँ गोली चलाएं। पुलिस तीनों चीज़ों में निपुण होना चाहिए। हमें प्रोफेशनल पुलिसिंग करने की आवश्यकता है,
और निश्चित रूप से कानून का डर और पुलिस का डर दोनों जनता के अंदर जो है बरकरार है। आप जब भी एक्शन लेते हैं तो कभी ना कभी तो उसका क्रिटिसिज्म होता होगा, उसका विरोध होता होगा, या तो आप उस पे सड़क पे खड़े होकर रोड सेफ्टी के लिए लोगों को कर रहे हैं, तो लोग बहुत सी बार ऐसा होता है, आजकल आप वीडियो देखे हैं कि कभी लड़के लड़कियां पुलिस वालों से भिड़ जा रहे हैं, कभी बदतमीजी कर दे रहे हैं, ये सब आता है, या तो आप किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ने गए हैं और ऊपर से प्रेशर भी है, उसकी पावर या तो उसकी पावर उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है कि डर है, और या तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, कभी ऐसा कंडीशन है, ये सबको पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है एक बड़े अधिकारी के ऊपर कि आप एक बैक एक्शन नहीं ले सकते, आपका जमीर चाहता है कि भाई इसको एक्शन लो अभी ऑन द स्पॉट खत्म करो, क्यों ये समाज के लिए नासूर बन गया है, लेकिन कानून कहता है कि अभी सब्र करो, और पॉलिटिकल प्रेशर है कि भाई अभी आप सोच समझ के काम करो, अगर आपने एक्शन ले लिया तो आप पे कुछ गाज गिर सकती है, और फिर पब्लिक का भी क्रिटिसिज्म। तो मैं चाहता हूँ ये चारों जो पहलू है, पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है, जो पब्लिक आपके कभी ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे पब्लिक आपका विरोध करने उतर गई, कि नॉर्मल सी बात जैसे रोड ट्रैफिक पे ही कोई आपसे भिड़ गया हो, ये बदतमीजी पे उतर जाते हैं कभी कभी, किसी का कोई भरोसा नहीं, और फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर कभी बना है कि नहीं बना है, और जब किसी आप बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं तब उससे डील करने में क्या मेहनत करनी पड़ती है, एक आम पुलिस, एक पुलिस वाला होने के नाते आपको एक्शन लेना है उस पर, और एक फिर आपका दिल भी नहीं मानता कि भाई रुक जाओ अभी थहम जाओ, थोड़े देर बाद सोचते हैं थोड़ा, क्या पता ये सुधर जाए, क्या पता ये मान जाए, अपने को सरेंडर कर दे, तो ये पूरे एंगल को आप मुझे समझाइए। पहली बात जहाँ क्रिटिसिज्म की बात है, पब्लिक क्रिटिसिज्म काफी बार रहता है, जब हम किसी के रोड के ऊपर हमने किसी को रोका, उसका वीडियो वायरल हुआ, निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ उसके ऊपर तो निगेटिव प्रेशर पड़ता है हमेशा। एक बार एक महिला जो चाकू के साथ उसने इंस्टाग्राम पे फोटो उसने अपलोड किया था, हमने उसको पब्लिक उससे बातचीत करी, निश्चित रूप से बाद में मुझे लगा कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि कहीं महिला सुसाइड कर ले, कहीं महिला डिप्रेशन में चली जाए, महिला की बदनामी हो गई इसके कारण। हम क्रिमिनल्स को लाइव रेस्पॉन्स करते थे तो उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर उनका भी परिवार होगा, वो देश भर में लोग उनको निगेटिव ढंग से जान गए, कहीं उसने कोई गलत कदम उठा दिया तो क्या होगा। लेकिन मेरा हमेशा मानना था कि हमारी मंशा जो है लोगों को बदनाम करना, लोगों को नीचा दिखाना नहीं था, हमारा मंशा ये है कि उनको देख के तो बाकी लोग सीखें कि गलत करने का क्या कंसिक्वेंस होता है और उसके क्या नुकसान होते हैं। काफ़ी लोगों ने इसको ये भी कहा कि सोशल मीडिया में फेम में आने के लिए मैं लोगों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों को परेशान कर रहा हूँ, हर एक्शन के व्यूज और काउंटर व्यूज हो सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि जो एक इंस्पेक्टर चेकिंग कर सकता है उसके लिए एसपी को फर्क उतरने की क्या आवश्यकता है। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि यदि हम जब तक उसका क्राइम कोर्ट में प्रूव ना हो जाए, हम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पुलिस ट्रायल कैसे कर सकते हैं। काफ़ी तरह के क्रिटिसिज्म सामने आए, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें, हमारा इंटेंशन जो है वो क्राइम प्रिवेंशन और लोगों को क्राइम के बारे में समझाना और क्रिमिनल की पर्सनल काउंसलिंग हो, तब तक कोई नुकसान नहीं होता। मुझे खुशी है कि जो 150 लोगों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, और सभी लोग जेल से छूटने के बाद मेरे से आके मिले और उन्होंने धन्यवाद दिया कि सर आपके समझाने के कारण अब हम, कुछ लोगों ने जेल से छूटने के बाद दुकान खोल ली, किसी ने अपना कुछ काम शुरू कर दिया, किसी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे इंटरवेंशन से लोगों की जिंदगियां जो है संभल रही। जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, मेरा हमेशा मानना है कि जो बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस है, मर्डर हो, बलात्कार हो, डकैती हो, उसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर कभी नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिशियन भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है समाज से दूर किया जाए, लेकिन हमारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से हो, प्रॉम्प्ट हो, और हम सब चीज़ें लोगों से साझा करें। यदि हम उपेक में कार्रवाई करते हैं तो बहुत तरह के हमारे ऊपर जो है दोषारोपण होता है, काफ़ी हमारे ऊपर डाउट होता है और उसके कारण माहौल बिगड़ता है। तो मैं तो मेरी हमेशा एक था कि जब भी कार्रवाई हो मीडिया को अप टू डेट रखा जाए, चीज़ों को फैक्ट्स को सामने रखा जाए, और इसीलिए मेरी लाइव पीसी होती है जिसमें कि क्रिमिनल से खुद ही वो चीज़ बताता है कैसे हुआ क्या हुआ, जिससे कि हमारे ऊपर कोई दोषारोपण ना हो। लेकिन छोटे मोटे केसेस में जनप्रतिनिधियों का फ़ोन आ सकता है,
लेकिन हमें उनको पोलाइटली बताना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसा है, और सही ढंग से अगर हम कम्युनिकेशन करें तो प्रेशर को हैंडल इजीली किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा है और उनको साथ लेके ही चलना पड़ता है। सर आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, जब एक चोर बाहर आता है तो वो बोलता है कि मैं सर आपका बहुत वीडियो देखता हूँ, मैंने आपको लाइक भी किया और मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। तो ऐसे आपके किस्से हर रोज होते होंगे आपके साथ, जब कोई क्रिमिनल पकड़ाता है, पूरे देश के क्रिमिनल्स आपको जानते हैं, या तो वो उनको वो वीडियो देख के मजा आता है या तो उनको वो डर लगता है ये तो वही जाने, मुझे नहीं पता। जब वो वाला कंडीशन जब था, वो उस चोर ने आपको बोला, तो वो कैसा लगा था आपको वो देख के, एक चोर है जो चोरी भी कर रहा है और पकड़ाने के बाद बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चोर भी नागरिक है, जब करोड़ों लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं, और काफी बार उनको कोई बोलने का मौका नहीं मिलता। आप देखें क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, केवल उनका फोटो होता है, उसके बाद वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं। जब उनको भी कैमरा मिलता है तो वो अपने दिल की बात रख पाते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ कि क्रिमिनल बने। और क्रिमिनल भी एक व्यक्ति ही है, वो भी इंसान है, हमें उनको मुख्य धारा में लाना है। जेल जो है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके डिटरेंस के लिए भेजा जाता है, और सुधरने के लिए, सुधार के लिए कहते हैं, सुधरने के लिए भेजा जाता है, और हमारी कोशिश वही होनी चाहिए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स को अभी सही ढंग से समझाया जाए तो काफ़ी लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, और समाज को भी चाहिए कि उनको सुधरने का मौका दें। सर मैं आपसे आपके दो किस्से जानना चाहता हूँ। एक जो सबसे भयानक किस्सा हुआ वो आपके साथ, एक जब आप किसी ऑपरेशन को करने जा रहे हो तो एक बहुत ही झंझोर देने वाला एक किस्सा, और दूसरा जो सबसे मजेदार किस्सा हो आपको आजीवन, वो किस्सा याद है, आप कुछ करने गए और कुछ हो गया और बहुत ही मजेदार, जैसे आप ये चोर को पकड़े तो आपने, आपको उसने बताया कि सर मैं आपको बहुत बार देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये सब। तो मुझे आपके दो किस्से जानने, जो एक सबसे झंझोर देने वाला, जिससे आपके ऊपर सबसे ज्यादा आप तनाव में आ गए हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो, लेकिन फिर भी आपने उससे डील किया, और दूसरा एक सबसे अच्छा किस्सा जो आपको आजीवन याद रहेगा आपकी इस वर्किंग समय। यादगार किस्सा है कि जब माओवादी ऑपरेशन में 2017 में मैं गया था, तो आमने सामने की फायरिंग 5 घंटे हुई, उसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 घायल हुए, 5 माओवादी मारे गए। एक माओवादी को गोली लगी, वो घायल हुआ, उसने मदद मांगी। काफ़ी मेरे साथी पुलिसकर्मियों ने कहा सर हमारे 2 लोग शहीद हुए हैं, इसलिए हमें गोली मार देना चाहिए। मैंने कहा कि सहायता मांग रहा है तो एक डॉक्टर के नाते भी और एक पुलिसकर्मी के नाते भी हमें इसको मारना नहीं चाहिए। हमने उसको रेस्क्यू किया, एक ही एम्बुलेंस में हमारे 3 घायल पुलिसकर्मी भी गए और वो माओवादी भी गया। वो हॉस्पिटल गया, वो ठीक हुआ, और 2 साल की उसको जेल हुई। जेल से छूटने के बाद उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए, और जब मेरी पोस्टिंग दंतेवाड़ा से वापस हो रही थी तो मेरे से घर में वो मिलने के लिए आया। तो उसमें मैंने सीखा कि हम क्षणिक में कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन उसमें एक व्यक्ति की जान जा सकती है, और यदि हम समाज में कुछ पॉजिटिव करते हैं तो उसके पूरे समाज में एक पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स जाता है। जब वो अपने गांव में जाके खेती करने लगा तो जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि जो पुलिस है वो ग्रामीणों को नहीं नुकसान करना चाहती, वो नक्सलियों को नुकसान करना चाहती है। जो ग्रामीणों का जो विश्वास और ट्रस्ट है ट्राइबल्स का, वो हमें काफ़ी मिला। तो एक चीज़ मेरे समझ में आया कि हमें क्षणिक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें दूर की सोचनी चाहिए, और एज ए लीडर हमें मोमेंट पे काम नहीं करना चाहिए, हमें जो है फोरसाइट रखना चाहिए और आगे की सोचना चाहिए। एक घटना, दूसरी घटना है जब चोर को हमने पकड़ा था तो एक चोर ने बोला कि जो उसने चोरी का सामान है 10,000 रुपये वो उसने गरीबों में जो है बांट दिए, उसके लिए कंबल खरीद के बांटा, उसने सामान फूड आइटम्स बांटे। तो उससे मुझे समझ में आया कि हम सभी लोगों को गलत समझते हैं। निश्चित रूप से चोरी की, उसने गलत काम किया, उसके लिए जेल गया, 2 महीने जेल में रहा, फिर छूटा, लेकिन चोर का भी एक पॉजिटिव वर्जन भी होता है। हर चोर जो है वो अंदर से खराब नहीं होता, यदि उसको भी हम क्रिमिनल्स को भी सुधरने का मौका दें तो सुधर सकते हैं। उसको मैं 6 महीने बाद मिला, तो उसने अपनी एक जूस की दुकान खोल रखी थी, वो जूस जो है जूस सेंटर चलाता है। तो ज़रूरी है कि हम सब क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करके अच्छे कामों में लगाएं, जिससे कि वो गलत काम से बाहर निकल पाए।
सर एक सवाल है कि जैसे आपने बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आपने ये तरीका अपनाया, क्योंकि एक जनरेशन ही है सोशल मीडिया की और ये आजीवन चलने वाला है, अभी बहुत सालों ये चलने वाला है। आपको अगर एक या तो आप अपने काम से जाने जाएं या तो आप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं, ऐसा वाला अभी के समय में यही ट्रेंड चल रहा है। तो आपने ये सोशल मीडिया क्यों चुना है कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे? क्या आपको सही लगता है कि ये एंगल सही है, आपका यही स्टाइल सही है? मैंने देखा कि पुलिसकर्मी 24/7 हम काम करते हैं, लेकिन तभी भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव परसेप्शन पुलिस को लेके है, पुलिस की छवि धूमिल है। यदि हमें पुलिस की छवि को सुधारना है तो पुलिस को जनता के साथ ज़्यादा जुड़ के काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल होने के बाद जनता जो है हम छत्तीसगढ़ में जनता पुलिस के साथ फोटो खिंचा रही है, पुलिस के साथ जुड़ रही है, पुलिस के साथ संवाद कर रही है, लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो पुलिस और जनता के बीच गैप है वो कम होता है। और जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भाग सकते आने वाले दिनों में। आज के दिन में कोई बच्चा, कोई यूथ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से अफेक्ट होता है वो अफेक्ट होता है मोबाइल से और सोशल मीडिया से। हर आदमी चाहता है कि सोशल मीडिया में मुझे एफिलिएशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तो निश्चित रूप से यदि हम सोशल मीडिया में पुलिस के काम को रखते हैं तो लोग पुलिस के काम को देखते हैं, तो जो पुलिस की छवि है वो काफ़ी सुधरती है। और निश्चित रूप से पुलिस की हम अच्छी चीज़ें हमारी वायरल हों जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये हमारी कोशिश है। हमारे ज़्यादातर वीडियो जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए कैसे साइबर क्राइम होता है वो वायरल हुए, रोड सेफ्टी के वीडियोज़ हमारे वायरल हुए। यदि वो लोग देखते हैं उस वीडियो को तो उनके हाइंडसाइट में कहीं ना कहीं उनके मन में बात जरूर आती है कि हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। और लगातार यदि वो चीज़ बोला जाए, बार बार बोला जाए, तो आदमी के बिहेवियर में चेंज आता है। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं की वीडियो जो है उसको पब्लिक करें, जिससे लोग उसको देख के सुधार आ पाए। रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी थेफ्ट, ये आज के दिन में 3 बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसको कि हम, इनके बारे में जागरूकता आने से हम उनको रोक सकते हैं। बहुत ही जागरूकता से नहीं रुक, जैसे चोरी के लिए भी हमें पता हो कि चोर कैसे चोरी करता है तो हम वो चीज़ें बच सकते हैं। जैसे हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम कैश को बैंक में जमा करके जाएं, ज्वेलरी को हम लॉकर में रख के जाएं, हम जो है न्यूज़पेपर वाले को बता के जाएं कि न्यूज़पेपर ना डालें जिससे घर के आगे न्यूज़पेपर जमा ना हो जाए, हम दूध वाले को पहले बता कर जाएं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, वीडियो लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर बहुत सारी, उनको लोगों को समझ में आता है कि वो चोर क्यों कैसे चोरी करता है। तो उसके लिए काउंटर प्लान हम रेडी हो सकते हैं। और काफ़ी लाइट रखा जाता है, हम अपनी भाषा अच्छी रखते हैं, कभी भी क्रिमिनल्स के साथ अभद्रता नहीं की जाती, उसके पास मारपीट नहीं की जाती, उस पर दबाव नहीं डाला जाता। और यदि हम प्यार के साथ संवाद करेंगे तो उस पर हमेशा अच्छे रिजल्ट आएंगे। पूरे देश में हर जगह आप वायरल होते हैं, हर कोई आपको देखता है, क्रिमिनल्स भी देखते हैं, बहुत से लोग आपको चाहते हैं, ठीक, बहुत से लोग सर आपको चाहते हैं कि आप उनके राज्य में भी आ जाएं, उनके राज्य के पुलिस ऑफिसर भी आपके तरह काम करें, एक ऐसा अधिकारी उनके राज्य में भी होना चाहिए। जैसे आप हैं बिहार से, मुझे जितना मालूम है आपका जन्म बिहार में हुआ, मूल निवासी आप उत्तर प्रदेश में और आप अभी छत्तीसगढ़ में हैं। तो मुझे भी आज तक जब भी मैं देखता था, तो जब तक मैंने आपके बारे में रिसर्च नहीं की, मैं नॉर्मल आपकी वीडियोस देखता था, मैं भी स्वाइप कर देता था आपकी वीडियोस पे, अगर मैं अटक गया तो मैं वही लगातार आपकी सारी वीडियोस हम भी देखते रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि आप हैं कहाँ से। तो मैंने रिसर्च किया तो सब कुछ नहीं पता चला, फिर मुझे जब पता चला आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, तब लगा कि, फिर मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से बात की कि मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, अभिषेक पल्लव जी हैं, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? सबने बोला कि यार मुझे तो आज तक पता था कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी छूट है, ये है। तो आप हर पुलिस वालों को क्या समझाना चाहते हैं कि एक पुलिस वाला कैसा होना चाहिए? मैं पुलिस वालों को, हर जगह पुलिस अच्छा काम कर रही है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पुलिस सोशल मीडिया और मीडिया से दूर ना भागे। पुलिस जो है सोशल मीडिया और मीडिया को एक पॉजिटिवली यूज करे, क्योंकि आज के दिन में 1-to-many कम्युनिकेशन में अपनी बात यदि हमें करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो हमें सोशल मीडिया की बहुत आवश्यकता है। पुलिस इफेक्टिव है, हम चोर पकड़ते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, लेकिन उसको यदि हम फैलाएं नहीं तो लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि क्रिमिनल्स जो है खुलेआम घूम रहे हैं।
समाज में एक निगेटिव इवेंट होता है वो तेजी से फैलता है, लेकिन जो पुलिस पॉजिटिव काम करती है वो हम जनता तक नहीं ला पाते। यदि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, सोशल मीडिया में लाइव दिखा के यदि हम चीज़ों को जनता तक पहुंचा पाए तो जनता के अंदर एक सुरक्षा भाव आए। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस की मीडिया ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यकता है। जो पुलिस लीडर्स हैं नीचे लोगों को कैसे हम मीडिया से दूरी ना बना के मीडिया के साथ मिलकर काम करें, हम सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने हेल्पलाइन को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम जनता की बात तुरंत पुलिस तक पहुंच पाए। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत जो जनता की रहती है कि हम पुलिस अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल लेवल्स में कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो जनता और पुलिस के बीच में खोल के रखे जाएँ और पुलिस के अच्छे काम जनता तक पहुँचाए जाएँ, जिससे कि जनता पुलिस के कामों को सराह सके और पुलिस की जो छवि है वो बदल पाए। आप क्रिमिनल्स को क्या चेतावनी देने चाहते हैं कि वो क्राइम छोड़ दें? मैं क्रिमिनल्स को यही बोलना चाहता हूँ, क्रिमिनल्स कितना भी तेज हो पुलिस उनसे हमेशा दो कदम आगे रहती है, और पुलिस जो है यदि वो अपने पे आ जाए तो उनको आसमान और पाताल से भी खींच के बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए क्रिमिनल चेत हो जाए, अन्यथा उनको जल्दी ही समाप्त कर दिया जाए। बस मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टाइल में क्रिमिनल्स को चेतावनी दें। मैं क्रिमिनल्स को यही बताना चाहता हूं, सुधर जाओ नहीं तो तुम सुधार दिए जाओगे। तुम कहीं भी लो, कहीं भी छिप जाओ, तुम्हें खींच कर पुलिस ले आएगी और तुमको जेल में पहुंचा देगी जहां तुम्हारी जगह है। या तो अपने घर रहने की हैसियत रखो वरना फिर तुम जेल में बंद कर दिए जाओ। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्रिमिनल्स को जो आपने चेतावनी दी है आखिरी में वो बहुत अच्छे से अपने कान में बसा ले कि पूरे देश से, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये चेतावनी पूरे देश के क्रिमिनल्स को है, और सिर्फ एक अभिषेक पल्लव जी की तरफ से नहीं, पूरे पुलिस फोर्स की तरफ से, कि काम अपने अगर दंगा आपने नहीं छोड़ा तो आपको पुलिस पाताल से भी खींच के ले आएगी और आपको समाप्त कर देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।